ये देखो ये लड़की कैसे तैयार हुई है। कहाँ जा रहे हैं प्रणाम? आज हमारा प्रोफेशनल फोटोशूट है। इस्तांबुल का एक फोटोग्राफर है, बहुत ही पॉपुलर। उसने हमें कॉन्टेक्ट किया इंस्टाग्राम से और बोला चलो आज आपका फोटोशूट करते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं यार, बढ़िया है, मजा आएगा। नेकी और पूछ पूछ। पैसे वैसे नहीं ले रहे तो ठीक है, कर लो, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने कहा चलो ठीक है, अब चलते हैं आज। और मेरे को इसने क्या बनाया है देखो, मुझे बोल रहा था खुद को देखो कैसे तैयार हुआ है। मैं सही लग रहा हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये कम करा दे यार। अरे जिम करना पड़ता है इसके लिए काका, खाना कम खिलाया करना। अच्छा मीठा तो खुद खाता है रोज रोज इतना। हाफिज मुस्तफा, इतनी बड़ी शॉप, इसका इतना मीठा सामान लेके आया है और मुझे कह रहा है काम करा दे। पकड़ चश्मा, देख रही है? अरे चल ले यार, लेट हो गए हैं, पहले ही आधा घंटा। टर्की का हीरो लग रहा हूँ मैं पता आज। हाँ चल चल चल, ये देखो मुझे कह रही थी, ये देखो ये निकाल के खा रही है। मेरा तब से मन कर रहा, पकड़ी गई पकड़ी गई। मेरा तब से मन कर रहा था ये खाने का, मेरे से पहले खाना शुरू हो गया। ये तो बहुत तगड़ी चीज है यार, बहुत ज्यादा टेस्टी यार। हटा यार यार, इतना ही मैं ना सच में मन करे खा ही रहा हूँ। शूट है, पतले दिखना, पर मैं मीठा खा रही हूँ। ऐसे ही होना चाहिए, बंदे को इतना नहीं सोचना चाहिए। खाओ पियो ऐश करो, मिट रो, दिल पर किसी का दुखाए हो ना। लेट्स गो। I get lost sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. तो यही लोकेशन बताई थी फोटोग्राफर ने, इस्तांबुल कुतिये। ये कैसा नाम हुआ? इस्तांबुल कुतिये। और ये दरवाजा है भाई, क्या दरवाजा है, एकदम गजब का दरवाजा है। पुराना सा कोई लकड़ी का घर बना हुआ है। ऊपर से आवाजें भी आ रही है, बताए सीगल्स की, ऐसा एरिया है यार। क्या फोटो आने वाली है ये तो बता दे। गजब आएगी, गजब, सच में गजब लगूंगा ना मैं। तू तो भाई लगेगा। मैं हुई गजब। नाम मुझे अभी भी समझ नहीं आया। कुलिये कुलिये। अच्छा शिट, मैं गलत बोल रही थी, सो सॉरी। हाँ फाइनली अहमद आ गए हमें लेने। यार ये तो बड़ा ऑथेंटिक लग रहा है। हाँ एग्जैक्टली। हेलो। छुपा हुआ, मतलब ये पता भी नहीं हमें कि ऐसी कोई स्पॉट है। हेलो हेलो कर। हाय दीदी, कैसी हो? ये एकदम म्यूजियम जैसा बना हुआ है और हम यहाँ पे शूट करने वाले हैं। वो हमारे फोटोग्राफर है, उन्हें थोड़ी शर्म आती है, वो कह रहे हैं मेरी फेस मत दिखाना, हम नहीं दिखाएंगे। इट्स अ नाइस प्लेस योर। योर डेस्टिनेशन इज ऑन द लेफ्ट। ओह मैंने अब तक मैप बंद नहीं करा। आई एम सो एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड। शादी की वीडियो तक नहीं मिली मुझे अभी तक अपने फोटोग्राफर से, चलो ये तो मिल जाएगी एटलीस्ट। महारानी तेरा शूट कहाँ होने वाला है? यहाँ पे हमारी शूटिंग लोकेशन है। ओ भाई, ओए होए होए होए, बहुत सही लोकेशन है यार, कुछ बहुत अमेजिंग होने वाला है आज। बहुत ज्यादा, ये मुझे लग रहा था कि ये पर्दा है। तो ये क्या है? पर्दा ही तो है। ये ड्रेस है जो मैं पहनने वाली हूँ। सीरियसली? मैं आज पूरा टेंट लपेटने वाली हूँ। ओ भाई वो भागूंगी ना मैं तो, फिर पीछे पूरे ऐसे फ्लो करेगा। कूद मत जाइयो नीचे भागती भागती। ओ माय गॉड, ये इतनी बड़ी ड्रेस है, मैं इसमें फिट कैसे होऊंगी? प्रेरणा हो गई है रेडी। कैसी लग रही हूँ? ये इतना बड़ा टेंट पहन के मांगे हुए कपड़ों में हमेशा अच्छी लगती हूँ मैं। मेरे को उन्होंने कहा कि यार आपके कपड़े बहुत बढ़िया हैं, आपको कोई जरूरत ही नहीं है। ये क्या, ये तो खत्म ही नहीं हो रही। उठाते हैं, रुको इस ड्रेस को इसकी। अभी ये क्या है? घाघरा। ये तो बहुत दूर तक जा रहा है। ब्रेकिंग न्यूज़, हाय रे मेरा घाघरा। बड़ा सही इम्पैक्ट आ रहा है पता है यहीं पर ही। सही में वहाँ कबूतरों के आगे कितनी अच्छी लगेगी यार। चल फिर चले। क्या शूट हो रहा है यार प्रेरणा, तेरा रॉयल ऑसम। अभी भैया चारा डाल रहे हैं, सीगल्स आएंगी बहुत सारी। ओ वाओ सुपर्ब, एक सीगल तेरे को लेके भी जाएगी मुझे लग रहा है। यार ये हो क्या रहा है प्रेरणा, मेरी कौन खींचेगा? सारी तेरी मेहनत हो रही है यार। टुगेदर यस, मेरी बारी आ गई। ये बेस्ट व्यू है सीरियसली टर्की का, क्या टेरेस है मस्त, और इतना अच्छा लग रहा है यार, इतनी सारी सीगल्स आ रही हैं, फोटोज आ रही है इतनी अमेजिंग। लेट्स गो, मेरी टर्न आ गई है, मेरी भी फोटोज खींचेगी। वाओ नेक्स्ट लोकेशन है शूट की प्रेरणा की, ये एकदम ऐसा लगेगा कि टोम के पास है ना प्रेरणा? हाँ एग्जैक्टली। मजा आ रहा है? हमें ऐसा लगता था वो फोटोज में देखते थे कि वो कैसे हागे सोफिया के ऊपर खड़े, अभी पता लग गया कि पूरा क्रिएटेड होता है। वाओ, और ये बहुत सारी सीगल्स आएंगी अब दोबारा से। एग्जैक्टली। तो चलो नेक्स्ट लोकेशन।
तो गाइस बहुत ही मजेदार शूट था, बहुत ही ज्यादा मजा आया। मैं मना कर रही थी, मेरे को वैसे ना बड़ी कॉन्शियसनेस होती है कोई और मुझे फोटोग्राफ करे वीडियोग्राफ करे, हर्ष करता है तो मैं मतलब थोड़ी कॉन्फिडेंट होती हूँ व्हाट टू शेयर, व्हाट नॉट टू शेयर। बट इस बंदे ने मेरे को कल इतना फोर्स करा कि नहीं नहीं तेरे को शौक है तू करा ले तू करा ले, तो मैंने कहा चलो करा ही लेते हैं। और करा के एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त रहा। अगर आप आ रहे हो इस्तानबुल तो आप भी अहमद को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी मैं लिंक कर देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, और कॉन्टेक्ट कर सकते हो। यार वो जो स्लो मोशन वाली वीडियोस बनाई है उसने, ओ माय गॉड क्रेजी मैन, सीरियसली क्रेजी। एक घंटे का सेशन होता है, डेढ़ घंटे का। वो तो कह रहा था एक और कर लो, मैंने कहा नहीं भाई, माना मैं मॉडल बहुत अच्छी हूँ बट वो टायर्ड हो गई थी, मैं बहुत डन हो गई थी कि ठीक है यार जितना तूने कर दिया उतना ही बहुत है। अब हम आ गए हैं सीधा यहाँ पे तक्सिम स्क्वायर में, काफी ज्यादा मजेदार लग रहा है यार। अरे जहाँ मैं जाता हूँ कैमरा डालती है, जहाँ तू जाता है वहाँ से मैं चली जाती हूँ, चोरी चोरी तेरे दिल में समाती हूँ। वॉइस आ रही है ना, कल हमने वीडियो रिकॉर्ड करी और इतना अच्छा कंटेंट था पता है उसमें। एक हमारे को जिसने खाना दिया था ना को बोला था यू वेरी लकी तुम्हारी बीवी इतनी प्यारी है, इसलिए वॉइस ही चली गई, वॉइस ही चली गई आई नहीं। मैं कहा चलो इस वीडियो में मैं ही बता देती हूँ, मुंह से मूविया मिट्टू बन जाओ। वैसे ऐसा उसने बोला नहीं था, वैसे बोला था, अगर बोला था तो वॉइस आती ना। तो जा रहे एनीवे गाइस, बहुत ही ज्यादा मजेदार जगह, क्या मस्त है यार ये तक्सिम स्क्वायर। कहां चले ये ले मेरे माथे के ऊपर से चल के चला जा। अबे पर जाए कहां ये तो बता। हर्ष एक बात बोलूं वैसे, मेरी ना ये ड्रेस वेस्ट हो जाएगी इसमें मेरी फोटोज खींचते। अबे अभी कितनी फोटोज खिंचवा के आई है, तो मेरी ड्रेस वेस्ट कर दो थी, सनशाइन इन ड्रेस पहनी है। एक बार बंद हो रही है वीडियो, बंद हो रही है, एक बार दिखा सकूं। भाग 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 के देख रहे हो ये लड़की, ये मेरी दुश्मन है भाई। क्या रश है प्रेरणा यहाँ पे भाई, सब लोग यहीं आ गए लगते हैं। अरे यहाँ पे वो ट्रेन भी आएगी अभी रेड कलर की छोटी वाली, तो कुछ खाना खाने आए थे। अरे मेरे को लॉन्ग ड्रेसेस दिख रही है यहाँ पे, लॉन्ग नहीं है कभी, शॉर्ट नहीं है कभी, ये नहीं है कभी वो नहीं है। देखो मुझे बहुत ज्यादा शॉपिंग करनी थी इसलिए मैंने सोचा पहले खाते हैं, हर्ष बहुत थक गया है इसको खाना खिलाते हैं तभी ये मेरे को शॉपिंग कराएगा, नहीं तो तुझे भी करनी है। ये मेरे को ना बोलने के लिए कहता है, मैं आपको बता रही हूँ झूठा एक नंबर का, मैंने कुछ खुद भी शॉपिंग करनी नहीं करूंगा। मेरी वो फंकी वाली जैकेट्स कहाँ से मिलेंगे प्रेरणा, ये कौन बोलता है। आज इंडियन खाना खाएंगे, दाल मखनी और रोटी एज यूजुअल। ओ यार मजा ही आ गया, सीरियसली बता रही हूँ, क्या दाल मखनी है। पर तूने ऑर्डर तो चने भी करे थे। आ रहे आ रहे, उसकी जगह आलू गोभी आ गया था ना। बड़े यार बात हुई है, दाल रोटी खा के ही पेट भरता है ना, सच में दाल रोटी है, ब्रेड ब्रूट से पेट नहीं भरता भाई हमारा तो। हर्ष खाने में एकदम डूब चुका है और कोका कोला आई है इसकी। ओए होए 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 होए, क्या हुआ क्या हुआ भाई, सच्ची जो कांच की बोतल का मजा है ना वो प्लास्टिक में नहीं है। और क्या फिज है, नॉट स्पॉन्सर्ड और बब भी, यही करने आए थे ना हम यहाँ पे। मैंने बहुत सारे कपड़े ले लिए, आई एम सो हैप्पी। ये मेरी रील बना रहे हैं मेरी रील, अरे रहने दे मैं कब से कह रही हूँ, मतलब एडजस्टमेंट में सारा टाइम लगा दिया भाई। मैं तेरी रील बना रहा था, बना ली ये देख तू कैमरे में लगी हुई है देख।